एक इनोसेंट सा बॉय है ये, और चौल में रहता है, डांसर बनना चाहता है और ड्राइवर है, तो घर वाले इसको बोलते हैं कुछ और करने को, पैसे की कमी है, और लेकिन ये कुछ और कर रहा है। और भाई बहन की कहानी है, इमोशनल टच वैसे भी इस शो में है, और 14 फेब को रिलीज़ हो रहा है, तो प्लीज़ देखिएगा। ये सब यंग है, सब सब एकदम यूथ यूथ कंटेंट हम बना रहे हैं, और सब लोगों ने बहुत मस्ती की है। नाइट शूट्स होते थे, हम लोग यहाँ पे टाउन साइड में ज़्यादातर शूट कर रहे थे, तो सबने बहुत मस्ती की। क्रैश लेकर आ रहे ऑल्ट बालाजी, और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उनके एक्टर्स से, यानी कि रोहन मेहरा से। वेलकम रोहन। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे, मतलब क्लास 2020 में एक प्ले बॉय का किरदार निभाया है, और यहाँ पे हमने देखा है सीरीज़ में एक अलग ही है, जुनून है, एम्बिशियस है लड़का। क्या कहेंगे रहीम के बारे में? पिछले 4-5 साल से मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि हर बारी कुछ डिफरेंट करूँ और पब्लिक को, ऑडियंस को कुछ डिफरेंट ही दिखाऊँ। तो पहले जब मैंने ये रिश्ता किया था, उससे पहले भी टीवी किया था, लेकिन ये रिश्ता में गुड बॉय इमेज थी। फिर बिग बॉस गया तो रियल साइड मेरी बाहर आई। उसके बाद फिर मैंने कुछ टीवी शो किया, बट मैंने रियलाइज़ की कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। तो फिर आया था क्लास ऑफ 2020, थोड़ा सा वो उसमें प्ले बॉय था, वो थोड़ा बोल्ड कंटेंट था, थोड़ा बहुत थोड़े किसिंग सीन्स भी थे, पहली बार किए थे, जो कि ज़रूरी थे मुझे लगा कि अपनी इमेज ब्रेक करने के लिए। उसके बाद स्मोकिंग सीन्स भी थे, जो कि मैंने कभी की नहीं थी पहले, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उसके। एक तो हमने 3-4 सीजन अनाउंस कर दिए थे 2020 के, बट कोरोना आ गया, तो वो आई थिंक अब शायद सेकेंड सीज़न उसका भी बनेगा। तो मीन वाइल मुझे ये ऑफ़र हुआ, तो मुझे बेस्ट चीज़ यही लगी कि एकदम जो कैरेक्टर था बिल्कुल उससे भी हटके था जो मैंने लास्ट टाइम किया क्लास से। एक इनोसेंट सा बॉय है ये, और चौल में रहता है, डांसर बनना चाहता है और ड्राइवर है, तो घर वाले इसको बोलते हैं कुछ और करने को, पैसे की कमी है, और लेकिन ये कुछ और कर रहा है, और बहुत ही डिफरेंट था पूरा। इसके लिए मेरे को हिप हॉप डांस सीखना पड़ा पूरा, मैंने अपना कैरेक्टर चेंज किया इसके अंदर। मुझे टपोरी भाषा सीखनी पड़ेगी, अपन तो यही करेगा, मेरे को यही करने का है, गली गली बॉय है ये, गली बॉय है। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा मेहनत की, और जो इसका रिजल्ट है, आउटकम, जो जैसे मैंने सोचा था कि ऐसा मुझे दिखना है, हर चीज़ में अपनी बॉडी को भी चेंज किया, 7-8 kgs रिड्यूस किया, डांसर है ये, तो वैसे ही एकदम निकल के आया है। और बहुत इमोशनल लग रहा है मुझे, बहुत लोगों के कॉल्स आए कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी मुझे देखा नहीं था। और जो मेरी हमने हमने एक एक्टिंग कोच भी हायर की थी शो से पहले, प्रीति मैम, और जो डायरेक्टर थे कुशल सर, उन्होंने बहुत अच्छे से कंफर्टेबल फील करवाया, प्रॉपर कैरेक्टर निकलवाया है, तो आउटकम बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे मैंने सोचा था वैसे एकदम निकल के आया है। मतलब ऐसा नहीं, एक एक चीज़ इमोशनल साइड लोगों ने देखी है, तो एकदम वो बोल्ड से इमोशनल हो गए, तो लोगों को अब सिंपैथी हो रही है इस कैरेक्टर के साथ, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड। और एक्टर के लिए आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना, और लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरे कैरेक्टर से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। और भाई बहन की कहानी है, इमोशनल टच वैसे भी इस शो में है, और 14 फेब को रिलीज़ हो रहा है, तो प्लीज़ देखिएगा। बिल्कुल, आप इतनी सारी मेहनत की इस सीरीज़, इस किरदार को लेकर, डांसिंग से लेकर वेट रिड्यूस तक लेकर एवरीथिंग। जी बिल्कुल, तो अभी सीरीज़ का यू नो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है फैंस का, और वो मेहनत देखकर कैसे लग रहा है स्क्रीन पर? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। जो लास्ट शो था मेरा, वो मेरे काफ़ी मेरे इवन नेफ्यू वगैरह जो है छोटे छोटे 12-13 ईयर्स के, उन्होंने देखा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो 18+ था। तो ये एकदम फैमिली शो है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सब लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, तो सब लोग साथ बैठ के देख सकते हैं इसको, फैमिली शो है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि सब लोग देखेंगे। तो 14 फेब को भाई बहन की कहानी है, तो आई थिंक बेस्ट डेट निकली है 14 फेब, भाई बहन का प्यार दिखेगा, और सब लोग रिलेट करेंगे इससे कि अपने भाई बहन को याद करेंगे, उनको कॉल भी कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि आप कभी कोई स्कूल की देखते हो वेब सीरीज़, तो अपने स्कूल के लिए फ्रेंड्स को कॉल करते हो, वैसे ही अपने जैसे कोई भाई बहन दूर रहते हैं तो डेफिनेटली कॉल करेंगे, अरे कि वो एक वैसे रिलेट करेगा इंसान। जी बिल्कुल, जहाँ वैलेंटाइन पे मोस्टली लव स्टोरीज दिखाई जाती है, यहाँ पर एक भाई बहन का रिश्ता दिखाया जाएगा, और काफ़ी अनफोल्ड किस तरह से होगी स्टोरी, सस्पेंस कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक पता भी नहीं चला है फर्स्ट सीजन में एंड तक 10 एपिसोड्स में कि हम चारों भाई बहन हैं, किसी का पता चला है, किसी का नहीं पता चला है, वैसा है। तो सेकंड सीज़न है, फिर थर्ड सीज़न है, जो 30 एपिसोड्स की स्टोरी है, तो धीरे 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 खुलेंगी चीज़ें, धीरे धीरे सबके करेक्टर्स खुलेंगे, तो बहुत कुछ करने को है इसके अंदर, बहुत मेहनत की है, तो आई एम श्योर कि रंग लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल रंग ला रही है, ट्रेलर भी अमेजिंग है। रोहन, आपके जो बाकी मेंबर्स है, टीम मेंबर्स, जैन, आदिति, देन अनुष्का, मतलब इन ऑफ स्क्रीन इतनी हमने मस्ती देखी सोशल मीडिया पर, मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है कह सकते हैं चारों की, क्या कहेंगे? बहुत ऑब्वियसली ये सब यंग है, सब सब एकदम यूथ यूथ कॉन्टेंट हम बना रहे हैं, और सब लोगों ने बहुत मस्ती की है। नाइट शूट्स होते थे, हम लोग यहाँ पर टाउन साइड में ज़्यादातर शूट कर रहे थे, तो सब ने बहुत मस्ती की। हम लोग कभी जैसे शूट के बाद मरीन ड्राइव पर चले जाते थे मॉर्निंग वॉक्स के लिए, और क्योंकि ये बहुत अच्छे से बना रहे थे सर हमारे, और बहुत अच्छे से शो बन रहा था,
तो बहुत टाइम मिल जाता था फ्री में, तो बहुत सारी मस्ती करते थे, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे भी देखी होगी, तो बहुत टाइम था हमारे पास, तो बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत मस्ती की, तो सब कुछ है ये ऑनलाइन। बिल्कुल, वैलेंटाइंस डे है तो कांची के लिए कुछ खास, मतलब किस तरह से मनाने वाले प्लान? वैलेंटाइंस डे पे मैं अपना शो ही देखूंगा, क्रैश 14 सबको रिलीज़ हो रहा है और 10 एपिसोड आई थिंक पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि मैंने भी एक डबिंग के टाइम देखा है शो, ओवरऑल नहीं देखा है, तो आई एम श्योर वैलेंटाइंस डे पे मैं क्रैश ही देखने वाला हूं, आप भी देखिएगा, 14 फेब को आ रहा है। बिल्कुल, तो फैंस को क्या कहना चाहेंगे रोहन? यही कि प्लीज़ देखिएगा हमारा शो, 14 फेब को रिलीज़ हो रहा है, बहुत बहुत मेहनत की है, 6-7 महीने से इसी कैरेक्टर में मैं घुसा हूँ रहीम में, और बहुत डिफरेंट कुछ किया है, और फैमिली शो है, सब लोग इंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ देख सकते हो आप, बहुत मज़ा आएगा आपको, और खास करके भाई बहन के साथ अगर आप देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।